बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बंद गोभी के पकौड़े रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ बंद गोभी के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। बंद गोभी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक प्याली बंद गोभी ली है, जिसे बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम पकौड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल लिया है, इसमें हम बंद गोभी ऐड करेंगे सबसे पहले बारीक कटी हुई, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। फिर हाफ कप इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, 5 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई। इसके बाद हम इसमें 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं, इससे जो बंद गोभी के पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इतना पानी डालते रहेंगे इसमें और इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो है नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बस थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये मिक्स हो चुका है बैटर हमारा पकौड़ों का। अब हम इसके पकौड़े रेडी करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल लिया है, ऑयल को ऑलरेडी मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करते हैं। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। इन्हें हमने पलट दिया है, बस अब दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए, फिर उसके बाद इसको निकालते हैं। तो हम पकौड़े चेक करते हैं, देखें कितने क्रिस्पी बने हैं और कितना अच्छा कलर आया है। देखिए कितने मज़ेदार ज़बरदस्त बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, बाकी के जो रह गए हैं उन्हें फ्राई करते हैं, उसके बाद डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बंद गोभी के पकौड़े रेडी हैं।